Children in class 2, we will do subtraction sums. First, we will read the sum 83 minus 26. So, can we subtract 3 from 6? No, we cannot subtract 3 from 6. So I will borrow 1 number from this number. See, I am cutting this number, write it here: 3. I will borrow one number from 8. This is number 13 now. एंड सेवन इज़ क्योंकि वन नंबर इससे बोरो किया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा बेटे सेवन नाओ आई सब्रैक्ट फ्रॉम थर्टीन आई सब्रैक्ट सिक्स आई काउंट थर्टीन फर्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन नाओ आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्टीन आई सब्रैक्ट सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाओ हाउ मेनी आर लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 so i'll write 7 here and from 7 i'll subtract 2 count 7 1 2 3 4 5 6 7 so from 7 i'll subtract 2 1 2 how many are left 1 2 3 4 5 so i'll write 5 here now you all will do these sums on your own in your maths notebook. i read the sum 55 minus 38, 60 minus 24, 45 minus 16, 24 minus 18, 76 minus 28. So do it in your notebook. All the six sums you will do it in your notebook in maths. Thank you. Good morning, children. भाषा अभ्यास के आप पेज नंबर निकालेंगे थर्टी इसमें जानवरों के नाम लिखे हैं इसमें से आपको क्या करना है पानी में ज, रहने वाले जीवों को अलग करना है जानवरों को अलग करना है और जंगल में रहने वाले जानवरों को अलग करना है तो एक एक करके हम वर्ड्स पढ़ेंगे जो जानवरों के नाम हैं और उनको हम सेपरेट करेंगे जो पानी में रहने वाले वो उनको पानी में डालेंगे और जो जंगल में रहने वाले हैं जीव उनको जंगल वाले कॉलम में लिखेंगे हाथी जंगल मगरमच्छ पानी मछली पानी शेर जंगल हिरन जंगल शार्क पानी चीता जंगल भालू जंगल वेल पानी में रहने वाले डॉल्फिन पानी में रहने वाले नाउ द नेक्स्ट नंबर इज क्वेश्चन नंबर एट बाल दिवस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए यह आपको अपने आप लिखने हैं हमारे देश में बाल दिवस कब मनाया जाता है तो आपको पता है बाल दिवस कब मनाया जाता है चौदह नवंबर। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है बाल दिवस चाचा नेहरू की बर्थडे बर्थडे मीन्स जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चे श्री ज्वाला नेहरू को प्यार से क्या बुलाते थे चाचा जी चाचा नेहरू का प्रिय फूल कौन सा था गुलाब नाउ नेक्स्ट इज नंबर नाइन क्वेश्चन दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए तो ये आपको देखो जैसे जल है जल को हम क्या बोलते हैं पानी भी बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्द वो शब्द होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है जैसे जंगल जंगल को हम क्या बोलते हैं वन भी बोलते हैं तो हम इसको जंगल को वन के साथ मैच करेंगे जानवर को और क्या बोलते हैं हम पशु जमीन को क्या बोलते हैं हम धरती पेड़ को क्या बोलते हैं हम वृक्ष तो ये आपने भाषा अभ्यास में क्वेश्चन नंबर सेवन एट और नाइन अपने आप अपनी हिंदी अभ्यास भाषा अभ्यास में करना है थैंक यू Let's all of you take out my English Reader page number thirty five. Now आपको reading मैम ने करके बताई थी lesson number ten की पूरी reading complete हो गई है। अब मैम आपको इसको explain करेंगी, इसका meaning भी बताएंगी। So this is lesson number ten, the magic match box. So this is match box, the magic match box. Ja, magic क्या होता है बेटा? जादू। जादू की मैच बॉक्स सो अभी हमने न्यू वर्ड्स पढ़े थे उनकी मैं आपको मीनिंग भी एक्सप्लेन करती हूँ फॉरेस्ट इज जंगल बिहाइंड मीन्स पीछे टायर्ड मीन्स थका हुआ गोल्डन मीन्स सुनहरी ब्राइट मीन्स चमकता हुआ टीयर्स आंसू मैजिक वैंड जादू की छड़ी वेव्स लहरें फेयरी परी स्ट्राइक मीन्स देखो मैम आपको स्ट्राइक करके दिखाती हैं मैच

she catches Neha and take her to her house. She makes Neha to do all the work. जो witch थी, जो Dianthi वो Neha को पेड़ के पीछे से, tree के पीछे से देख रही थी और उसने क्या करा Neha को पकड़ा और अपने घर ले गई और उसे घर का सारा काम करवाती थी. Neha has to fetch sticks for cooking. She has to catch fish from the pond and cook it. She has to stitch clothes for the witch. और नेहा पता है क्या क्या काम करती थी नेहा को जंगल से लकड़ियाँ लानी होती थी खाना बनाने के लिए fetch द स्टिक्स मीन्स उसको इकट्ठी करनी होती थी लकड़ियाँ लानी पड़ती थी और फिश जो थी वो तालाब में से लानी पड़ती थी पकड़ के और उसको फिर उसको कुक करना पड़ता था उसको बना खाना बनाना पड़ता था और ने, जो विच थी डायन थी उसके कपड़े स्टिच करने पड़ते थे द विच डज़ नॉट डू एनी वर्क शी हैज़ टू has an itch on her foot. All the day long she only scratches her itching foot. jo जो विच थी वो कुछ भी काम नहीं करती थी she has an itch on her foot फुट ek एक अंगूठे में पाँव के एक कॉर्नर में उसको इचिंग इचिंग क्या होता है बेटा जैसे खारिश हो जाती है कुछ उसको बोलते हैं इचिंग होना है ना तो वो सारा टाइम उसको खुजराती रहती थी और क्या हुआ नेहा इज़ क्राइम शी इज़ वेरी टायर्ड शी वॉन्ट्स टू रन अवे शी डज़ नॉट नो द वे बैक होम नेहा एक दिन रो रही थी और वो बहुत थकी हुई थी क्योंकि क्यों थकी हुई थी क्योंकि उसको बहुत काम करना पड़ता था विच तो कुछ करन, करती नहीं थी डायन जो थी अपने आप बेड बैट पे बैठी रहती थी और सारा काम उसको करना पड़ता था और वो थकी हुई थी और वो वहाँ से भागना चाहती थी बट उसको अपने घर का वापस जाने का रास्ता पता नहीं था वन डे नेहा लाइज डाउन टू स्लीप ऑन अ पैच ऑफ ड्राई ग्रास एक वन नाइट क्या हुआ नेहा जो थी वो एक सूखी घास के ऊपर उसको सुलाते थे तो सूखी सु, घास के ऊपर वो सो रही थी शी फेल फील्स समथिंग हार्ड नियर हर हैंड उसने फील करा कि कुछ उसके आ, हाथ के पास कुछ हार्ड सा कुछ है शी पिक्स इट अप उसने उठाया उसको इट इज़ अ गोल्डन मैजिंग मैजिक मैच बॉक्स और वो क्या था ये सुनहरी था गोल्डन कलर का था मैच बॉक्स जो मैम ने आपको दिखाया ना ऐसे गोल्डन कलर का था जैसे ये है ब्राउन कलर का वैसे एक गोल्डन कलर का मैजिक मैच बॉक्स था ठीक है और नेक्स्ट हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू कल करेंगे ओके थैंक यू बेटा